हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। आज का बेटा क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके सामने। ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट श्रिंक अवे फ्रॉम सेल वॉल। वाटर इज फर्स्ट लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म देन फ्रॉम वैक्यूल। एरिया बिटवीन सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लास्ट ऑक्यूपाइड बाय आउटर सॉल्यूशन। इसमें हमें स्टेटमेंट बताना है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑल का है। स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसमें होता क्या है। तो प्लाज्मोलिसिस को जरा हम लोग पहले समझ लें कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। प्लाज्मोलिसिस बेसिकली ये सेल वॉल है और ये इसकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब हम इस सेल को किसी ऐसे मीडियम में रखते हैं जो अंदर के सेल के मीडियम के कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड होता है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा हो गया होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका हाइपर टॉनिक मीडियम। ठीक, तो बेटा जब सेल को हाइपरटॉनिक मीडियम में रखते हैं तब इस सेल के अंदर से क्या होने लगती है, एक्सोसमोसिस होने लगती है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो जो साइटोप्लाज्म का वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ मूव करता है और देन उसके बाद फिर ये जो वैक्यूल होती है बेटा, वैक्यूल का वाटर भी बाहर निकलने लगता है। इसका रिजल्ट क्या हमें देखने को मिलता है, जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है तो ये जो सेल होती है बेटा ये क्या करती है, ये श्रिंक करने लगती है, मतलब सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि सेल वॉल तो रिजिड होती है तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी। ये देखिए जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा है, और ऐसी सेल को बेटा हम लोग बोलते हैं ये होती है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है और इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो अब जरा इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट श्रिंक्स अवे फ्रॉम सेल वॉल। तो ये देखिए इस कंडीशन में दिख रहा है कि सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि वाटर फर्स्ट लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म देन फ्रॉम वैक्यूल। तो देखिए पहले वाटर जो होगा हमारे साइटोप्लाज्म से निकलेगा और उसके बाद फिर वैक्यूल से निकलना स्टार्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। उसके बाद देखें द एरिया बिटवीन सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लाज्म ऑक्यूपाइड बाय आउटर सॉल्यूशन। तो बेटा ये जो बाहर का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये इस मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में यहाँ पर फिल हो जाता है इस प्रोसेस में। ठीक, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो इसका मतलब हमें जो आंसर मिलेगा एंड दैट इज ऑल स्टेटमेंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन था प्लाज्मोलिसिस के बारे में। नेक्स्ट हम फिर क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।